इस वीडियो में आपको बताएंगे इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर एक ट्रिक, जिस ट्रिक से आप इस टाइप क्वेश्चन का रिमाइंडर बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में निकाल पाएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, इसी तरह से फैक्टोरियल n तक है अपॉन 6। तो इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर देखिए नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे है 6। तो यहाँ पर सिंपली किस फैक्टोरियल में 6 आएगा आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को, इंटू फैक्टोरियल 3, इसको लिख सकते हैं 3 2 इंटू 1, अब इंटू फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे दिया हुआ है 6, तो 6 किस में आ रहा है, देखिए 3 इंटू 2 6 यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई 6 यानी कि फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालना है रिमाइंडर, तो यहाँ पर ऊपर में आ रहा है 6 x के लिए और नीचे भी 6 है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 0, इसका रिमाइंडर होगा 0। और इसी तरह से साइड में देख लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर 3 इंटू 2 जो कि 6 है और 6 का मल्टीपल है जो कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 24 जो कि 6 इंटू 4 यानी कि ये भी आएगा रिमाइंडर 0। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 के बाद जितना भी नंबर होगा n तक, n फैक्टोरियल तक जितना भी नंबर होगा वो सभी नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, यहाँ पर भी 0, नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 का भी 0 आएगा क्योंकि 6 का मल्टीपल है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n का भी जो रिमाइंडर है वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल n जो है वो 6 का मल्टीपल है, सभी में 3 इंटू 2 इंटू 1 तो आएगा ही, तो 0। और बचा क्या है, देखिए 1 इंटू 2 अपॉन 6 यानी कि 2 अपॉन 6 आ रहा है, अब 2 को डिवाइड करना है 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ गया 2 जो कि ये आपका आंसर है। अब मान लीजिए 6 के जगह पे यहाँ पर 10 है मान लीजिए, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए नीचे 10 है और ऊपर में ढूंढना है कि किस फैक्टोरियल में 10 आएगा, तो सिंपली यहाँ पर देखना है यहाँ पर फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी तरह से फैक्टोरियल n तक होगा और नीचे दिया हुआ है 10। अब देखिए 10 ऊपर में किस में आ रहा है, तो देखिए 5 इंटू 2 10 और यहाँ पर यानी कि ये फैक्टोरियल 5 जो है ये 10 का मल्टीपल है, तो इस कंडीशन में 10 का जो मल्टीपल होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह से जो कि 6 फैक्टोरियल का होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर 5 और 2 आ रहा है, 5 2 फिर से आ रहा है, तो यहाँ पर 5 2 यानी कि 10, तो ये भी 6 फैक्टोरियल 6 भी 10 का मल्टीपल है, तो इस कंडीशन में भी जो रिमाइंडर आ गया वो 0। इसी तरह से जितना भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पर n 100 तक है, यहाँ पर 50 तक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो फैक्टोरियल 5 से नीचे 10 है तो फैक्टोरियल 5 से n तक, फैक्टोरियल n तक किसी भी नंबर का जो कि रिमाइंडर होगा 0। तो यहाँ पर बाकी का देख लेते हैं इन सभी का, तो यहाँ पर देखिए 1 है 1 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 और 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24
और यहाँ पर बाकी सब जीरो है और नीचे है टेन। अब देखिए इसको अलग अलग से रिमाइंडर निकल सकते, देखिए टेन से टू टाइम्स जो कि ट्वेंटी, और एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है फोर, तो यहाँ पर फोर आएगा जो कि रिमाइंडर। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट अपॉन टेन, और यहाँ पर फोर टाइम्स जो कि फोर्टी एक्स्ट्रा होगा एट, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो एट है आपका आंसर। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एट है, एट होगा तो एट किस में आ रहा है, फोर इंटू टू यानी कि एट का मल्टीपल है, इसमें आएगा रिमाइंडर जीरो। इसी तरह से एन तक जितना भी नंबर है उसका रिमाइंडर आएगा जीरो। अब बाकी यहाँ पर टू है और यहाँ पर सिक्स, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, और ट्वेल्व और नीचे है एट जो कि इस तरह से, यानी कि आपका आएगा ट्वेल्व अपॉन एट यानी कि फोर एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर होगा फोर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल नहीं होके होगा चाहे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल फाइव, इसी तरह से एन तक है। अपन यहाँ पर एट ही मान लीजिए एट, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो सेम ही चीज है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एट किस फैक्टोरियल में आ रहा है आपको देखना है। यहाँ पर फैक्टोरियल वन यानी कि वन प्लस, यहाँ पर फैक्टोरियल टू यानी कि टू इंटू वन प्लस फैक्टोरियल थ्री यानी कि थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फैक्टोरियल फोर यानी कि फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि यहाँ पर फोर इंटू टू जो कि एट आ रहा है, यानी कि एट का मल्टीपल जो कि फैक्टोरियल फोर, तो एट का मल्टीपल यानी कि रिमाइंडर आएगा जीरो। इसी तरह से यहाँ पर फैक्टोरियल फाइव जो कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि फोर एंड टू, फोर इंटू टू एट, यानी कि एट का मल्टीपल है फैक्टोरियल फाइव, तो इसका भी रिमाइंडर आएगा जीरो। इसी तरह से हंड्रेड टू हंड्रेड एन तक यानी कि एन तक किसी भी नंबर तक आप रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर नीचे है एट और इसका देख लेते हैं, यहाँ पर वन प्लस टू इंटू वन टू प्लस थ्री इंटू टू सिक्स अपॉन एट, और यहाँ पर सिक्स टू एट, एट प्लस वन नाइन अपॉन एट, यानी कि एक्स्ट्रा आ रहा है वन जो कि रिमाइंडर होगा वन का आंसर। अब नीचे मान लीजिए नीचे जो वो नंबर है वो फैक्टोरियल के आकार में, जैसे कि मान लीजिए फोर फैक्टोरियल, तो यहाँ पर फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर नीचे है देख लीजिए फैक्टोरियल, तो यहाँ पर ऊपर में जो फैक्टोरियल फोर तक, यहाँ पर फोर फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फोर जीरो, रिमाइंडर आएगा जीरो। इसी तरह से बाकी जितना भी नंबर है हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी वन टू हंड्रेड यानी कि एन तक, एन फैक्टोरियल तक कितना भी नंबर है रिमाइंडर सब में जीरो आएगा। और बाकी इन तीनों का देख लेते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल वन यानी कि वन प्लस, यहाँ पर फैक्टोरियल टू यानी कि टू होगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल थ्री यानी कि सिक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस, और नीचे है फैक्टोरियल फोर यानी कि फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि ऊपर में होगा वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस सिक्स नाइन, एंड नीचे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ट्वेंटी फोर, यानी कि नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर, यानी कि एक्स्ट्रा है नाइन जो कि रिमाइंडर नाइन आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे आप इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी ट्रिक्स देखने के लिए।